तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, मतलब आज के इस टॉपिक वीडियो में एक टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब कि संस्कृत में क्या ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स कटने से बच जाएँ। और हमारे मार्क्स सिर्फ बचे ही ना, बल्कि 10 नंबर ज़्यादा हमें आ जाए। और ये सच है स्टूडेंट, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब में ये सच्चाई है। अब जो मुझे पुराने बच्चे देख रहे होंगे वो तो मुझे जानते ही हैं कि मैं आयुष सर हूँ, जिन्होंने पूरी संस्कृत की क्लास करवा दी है यूट्यूब पे अकॉर्डिंग टू रेडियो सिलेबस, और पर्सनली हमको संस्कृत पढ़ाया है प्रो बैच में। और जो नए बच्चे, उनको बता दूं कि मैं संस्कृत पढ़ा ही रहा हूँ, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ आपको ये टॉपिक समझाने के लिए कि कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका कॉपी होना चाहिए, जो आप बोर्ड में स्टूडेंट आंसर शीट लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है स्टूडेंट, संस्कृत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, ये आंसर शीट नहीं होता है सिर्फ, ये आपका जो विजिटिंग कार्ड कहते हैं वो होता है। इस बात को बहुत बच्चे नहीं मानते। मान लीजिए जब एग्जामिनर मार्क्स आपको देता है, वो ये नहीं देखता है कि आप कितना सुंदर है, एग्ज़ाम में फेयर लवली लगा के आए हैं कि नहीं, फेयर हैंडसम लगा के आए हैं कि नहीं, वो भाई की क्रीम वो लगा के आए हैं कि नहीं। वो आपकी कॉपी देखेगा कि कितना अच्छा आपने लिखा, और उसी पे मार्क्स देगा। आपको नहीं जानता है कि आप कहाँ के हैं, कलकत्ता के हैं कि बॉम्बे के हैं। ये जो आंसर शीट होता है यही मेन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बहुत बच्चे यहीं पर क्या गलती करते हैं। सबसे पहला गलती, व्हाट्सएप वो जो चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा से आप लिखेंगे स्पेस दे दे के, मेरे बाबू ने थाना थाया, बहुत स्पेस दे दे के, ताकि बाबू को समझ में आ जाए। और जब संस्कृत बोर्ड में आएंगे तो इतना ना घचपच लिख देंगे, एकदम सटा सटा के। अगर लिखना है सेवा में श्रीमान, तो सेवा में श्रीमान यहीं पे पूरा सटा के, ताकि एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाए, आपका भी मार्क्स काट लेगा। अगर तो इस बात का ख्याल रखिएगा, तो स्पेस दे दे के लिखना है। अब सर हमारी आदत नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट, आप अपना टेस्ट दे रहे हैं अपने कॉपी में, तो आपकी आदत नहीं होगी कि कंजूसी कर लेते हैं, अब पैसा बचा लेते हैं, फिर बाबू को गुपचुप खिला देंगे, चाहे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो, या चॉकलेट दे देंगे। तो बोर्ड में आपका पैसा नहीं बचेगा, बोर्ड में 32 पन्ना का कॉपी रहता है। ठीक है, तो जब भी मैं भी कॉपी चेक करता हूँ संस्कृत की, जो स्टूडेंट घचपच लिखता है उसमें मुझे पहले से गुस्सा आता रहता है। एक ही चीज़ में मिक्सअप कर देता है, पता ही नहीं चलता है कौन आंसर है, कौन क्वेश्चन है, क्या इसने लिखा है, अनुवाद का घटिया बना दिया है, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी लिखिए जगह दे दे के लिखिए, ये काम कीजिए। अब हम उसमें स्टूडेंट जगह दे दे के कैसे लिखेंगे वो सीखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमें पहला ही क्वेश्चन घटिका का मिला, 5 क्वेश्चन मिले। अब तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आप 4 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, जैसा वहाँ पे आपको दिया रहा है। तो एक का क है, ख है, ग है, घ है, 4 क्वेश्चन मान लीजिए आपको करने हैं। तो आप ऐसे जब कॉपी स्टार्ट करें तो ऐसे यहाँ पे अच्छे से बड़ा से लिखिए 5 का एक का क, जो आंसर यहाँ लिख दीजिए। हो सके तो एक लाइन छोड़ के फिर ख लिखिए, आंसर लिख दीजिए, ग लिखिए, आंसर लिख दीजिए, घ लिखिए, आंसर लिख दीजिए, लिख दीजिए। फिर आप 6ठे क्वेश्चन का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ 2 लाइन छोड़ दीजिए, और फिर यहाँ पे 6ठे का क का जो आंसर है सो लिख दीजिए, ख का जो आंसर है सो लिख दीजिए। ठीक, ऐसे करना है, स्पेस दे दे के लिखिएगा, बहुत सुंदर कॉपी लगती है, और मार्क्स फ्लो में 1-2 नंबर मिल जाते हैं स्टूडेंट। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, बहुत सुंदर कॉपी लगती है। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम स्टूडेंट क्या करना है आपको यहीं पे, स्टूडेंट आप 5 का लिखें, क का गैप दीजिए, ख का गैप दीजिए, ग का गैप दीजिए, एक एक लाइन का गैप दे के आंसर लिखिए। ठीक है, उसके बाद जब स्टूडेंट आप कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए जैसे 5 का क है, ख है, तो ये नया नहीं है, ये इसके लिए तो एक ही है, लेकिन आप कोई फिर से 6ठा स्टार्ट करने जा रहा है या 7वां स्टार्ट करने जा रहा है, तब 2-3 लाइन का भी आप गैप दीजिए, और तब यहाँ पे आंसर लिखिए। मार्क्स स्टूडेंट बढ़ेंगे ही, घचपच एक साथ लिखा रहता है, 1-2 फ्लो में ऐसे कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई कंप्यूटर चेक नहीं करता, इंसान चेक करता है। ये काम आपको पहले करना है। उसके बाद स्टूडेंट
कोशिश कीजिए हमेशा, तीसरा काम आपको क्या करना है, हमेशा संस्कृत या हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को हम सीरियली लाइन बाय लाइन बनाएं। भले हमें क्वेश्चन आए चाहे ना आए लेकिन हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बनाएं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिए, तो देखिए जैसे हम संस्कृत का पेपर देने गए, इसको रफ कर देते हैं फिर आपको पूरे बोर्ड में बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हमें नहीं आया, दिक्कत है हमें, प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन हमें नहीं आया, आराम से ऐसे पहला लिखिए, जितना जगह में वो बन सकता है उतना जगह छोड़ दीजिए, फिर दूसरा बनाना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन तीन लाइन में बनता है तो तीन लाइन छोड़ दीजिए, मतलब इतना में हम दोबारा एक आंसर लिखेंगे, दो लाइन फिर क्वेश्चन नया बना रहे उसका छोड़ेंगे, फिर ये बनाना शुरू कर दीजिए, फिर तीन लिखिए, फिर चार लिखिए। हो सके तो ये पहले ही आप नंबरिंग कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन संस्कृत में इतना क्वेश्चन रहता है क ख ग घ अंग कि बच्चों का क्वेश्चन ही छूटने लगता है, तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन छूट जाता है, विश्वास कीजिए स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि तीन लाइन में ही हमारा आंसर निकलेगा, तो स्टूडेंट संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हर एक क्वेश्चन हमें पता होता है कितने ही लाइन में आएगा। जैसे देख लीजिए स्टूडेंट, इस बार आप संधि है समास है हर बार टॉपिक रहता है, लेकिन इस बार तो ऑप्शन भी है, तो आप जान रहे हैं कि अगर तीन समास हमें पूछ रहा है बोर्ड में, पांच नंबर क्वेश्चन है, तो पांच का एक है फिर दो है फिर तीन है, तो समास क्या है तीन लाइन में अट जाएगा, तीन लाइन छोड़ के फिर छठा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब इसके लिए बहुत लाइन तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हमें पहले से पता है, हमें पत्र लिखना है तो हम क्या करेंगे एक पेज छोड़ के रखेंगे, तो ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पेन को लेकर बहुत बच्चे क्वेश्चन करते रहते, क्या सर हमें ब्लैक पेन यूज करना चाहिए या ब्लू पेन यूज करना चाहिए, तो बोर्ड में तो जनरली ब्लू पेन यूज होता है, लेकिन स्टूडेंट जब आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, उसको नहीं पढ़िएगा आपका कॉपी पेंडिंग में भी जा सकता है, कुछ आप गलती कर बैठेंगे, उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा पेन आपको यूज करना है, ठीक है। कॉपी को बहुत नीट एंड क्लीन रखिएगा, लाइन बाय लाइन बनाइएगा ना स्टूडेंट, एक दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन आप बनाइए, सुंदर कॉपी रखिए बस, ठीक है स्टूडेंट, घचपच घचपच नहीं कीजिए। जैसे स्टूडेंट आप देख लीजिए एक क्वेश्चन आप जाएंगे बोर्ड में, गारंटेड क्वेश्चन रहता है, पत्र रहता है, वीडियो भी देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, पत्र रहता है तो उसमें लिखा रहता है पुनः लिख दूँ, मतलब दोबारा पत्र को लिखिए, पूरा पत्र को दोबारा लिख दीजिए, और जो जो आंसर है पहले तय कर लीजिए कि हमें क्या लिखना है, वहाँ जहाँ पे आंसर लिख रहे हो वहाँ पे खूब ज़बरदस्त अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा एकदम नीचे से गढ़ा से, आप फिर आंसर लिख दीजिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के आगे का क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है स्टूडेंट जो संस्कृत में आपको गलती नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एग्जामिनर को थोड़ा सा खुश करके चलना चाहिए, ठीक है, तो आपको मार्क्स थोड़े से मिल जाते हैं चार पाँच एक्स्ट्रा, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा परसेंट भी बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है स्टूडेंट जो आपको संस्कृत बोर्ड एग्जाम में करने चाहिए। कॉपी को सुंदर रखिएगा, लाइन बाय लाइन बनाइएगा, दो क्वेश्चन के बीच में गैप दो तीन लाइन का जोड़ दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, वहाँ 32-33 पेज रहते हैं स्टूडेंट, आपसे पूरा फिलअप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और मज़े में बनाइएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर क्या करें हम तो अभी तक कुछ पढ़े भी नहीं, तो जाके स्टूडेंट वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे इतना मस्त पढ़ाए, आपके स्कूल के टीचर भी नहीं पढ़ाते होंगे इतना मस्त, पूरे बेसिक से पढ़ाए, जाके लेक्चर देखिए उस, या आप चाहते हैं स्टूडेंट कि 10 से 12 दिन में 10-12 डेज में अगर मैं संस्कृत आपकी प्रिपेयर करवा दूँ, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कीजिए, डेली बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और हर एक दिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, और वो प्रो बैच से पढ़ के हीरो हो गए अपने प्री बोर्ड में, धमाल उन्होंने मचा दिया, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रो बैच को। स्टूडेंट ये बैच CBSE के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो जीरो लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है।
उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा, ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूँ, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95 प्लस संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको अब बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर दो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है, अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा। तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के ज़रूर भेज दें, हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे।